चित्तौड़गढ़ जिला विशेष टीम व थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ पुलिस ने तस्करों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसमें ट्रक में तस्करी कर ले जाया जा रहा है 157 किलो डोडा चूरा के साथ ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया है। SP दीपक भार्गव ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त व परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जिला विशेष टीम को मंगलवार की रात्रि को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि बस्सी की तरफ से आने वाले एक ट्रक में अवैध डोडा चूरा भरा हुआ है। सूचना पर कार्रवाई के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय हेमंत सिंह देवल के निर्देशन में जिला विशेष टीम प्रभारी सुरेश मीणा के नेतृत्व में जिला विशेष टीम के अलावा कोतवाली चित्तौड़गढ़ से थानाधिकारी तुलसीराम निरीक्षक मय जापते के चित्तौड़ी खेड़ा हाईवे पर पहुंचकर नाकाबंदी की। सूचना के मुताबिक एक ट्रक बस्सी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया जिसमें दो व्यक्ति बैठे हुए थे। इसे पुलिस ने हाथ का इशारा कर रुकवाया और चालक ट्रक सहित मौके से भागने लगा। इसे पुलिस जाब्ते ने घेरा देकर रोका, चालक और खलासी को पकड़ लिया। बताया जाता है कि थाना बस्सी से ये खरीद कर लाया था और नागौर लेकर जा रहा था। चालक रामचंद्र को गिरफ्तार किया और खल्लासी नाबालिग होने से डिटेन किया गया। कार्रवाई के बाद रामचंद्र व नाबालिग के खिलाफ थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ पर अपराध धारा 8/15 NDPC एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण का अनुसंधान कैलाश सोनी थाना अधिकारी थाना शंभूपुरा द्वारा किया जा रहा है।